हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्षेत्र के विकास के लिए हुए ऐतिहासिक फैसले, हरीश चौधरी, बायतू पंचायत समिति की सोइयों का तला की नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण कर नई सौगात दी। बाड़मेर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोइयों का तला की नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण कर नई सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाटाड़ू में कृषि महाविद्यालय, उप तहसील कार्यालय एवं अन्य कई सौगातें क्षेत्र की जनता को दी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के क्षेत्र विकास के लिए हर संभव प्रयासों का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने बिजली के बिलों की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने की घोषणा की गई है। बिजली बिल पर सालाना 12,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए सरकार अनुदान का विभिन्न योजनाएं चला रही है। इससे पहले राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने लोकार्पण पट्टी टका का अनावरण और फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया और विभिन्न परिसरों का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत के नवीन भवन के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को संबल प्राप्त होगा तथा ग्रामीण विकास को नई एवं प्रगतिकारी दिशा प्राप्त होगी और क्षेत्रवासियों को हर तरह से फायदा होगा। लोकार्पण समारोह में बायतू प्रधान सिमर्था राम चौधरी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा, स्थानीय सरपंच हीरो देवी एवं समस्त पंचायत समिति के सरपंच गण व गणमान्य नागरिकगण मौजूद थे। अतिथियों ने ग्राम पंचायत परिसर में पौधारोपण भी किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।